हाय गाइस, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके सिलेबस को हम जान लेते हैं। ठीक है, कि हाइड्रोलिक्स के कौन क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस को ध्यान में रख लें और ये सिलेबस को हम पूरा एग्जैक्ट कंप्लीट कराएंगे टोटल। तो आपने वन बाय वन देखना है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक्स हम पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोलिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हाइड्रोलिक्स के सिलेबस देख लीजिए। तो जो पहला चैप्टर होगा, ठीक है, वो होगा क्या? पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ोगे? इंट्रोडक्शन में हाइड्रोलिक्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा नॉलेज देखोगे कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, वही इंट्रोडक्शन पूरा दिखाता है। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन में बता देता है। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका लिक्विड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, लिक्विड प्रेशर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, लिक्विड प्रेशर्स एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड वन देख लीजिए। थर्ड वन क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड फोर्थ वन इज द हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है एंड फिफ्थ वन इज द हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रो डायनेमिक्स एंड सिक्स वन इज द हाइड्रोलिक कोफिशियंट। हाइड्रोलिक डायनेमिक हो गया, हाइड्रोलिक कोफिशियंट कौन कौन से कोफिशियंट है? हाइड्रोलिक कोफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सेवेंथ वन इज द फ्लो ओवर नोच एंड वियर्स। फ्लो ओवर नोचेस है एंड वियर, नोचेस एंड वियर है। एंड एट्थ वन इज द फ्लो थ्रू पाइप। फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप एंड नाइन्थ वन इज द फ्लो थ्रू ओपन चैनल। फ्लो थ्रू ओपन चैनल ये सारे जितने भी हैं टोटल नाइन्थ, इन नाइन्थ को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसे ध्यान से पढ़ना है। जितना हम ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही हमें समझ में आने वाला है। तो जो पहला चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर वन क्या है? चैप्टर नंबर वन जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि फ्लूड होता क्या है। ठीक है, फ्लूड। ठीक है, फ्लूड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूड का डेफिनेशन क्या है? फ्लूड का डेफिनेशन सिंपल वे में बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी हो या मैटर हो, वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे किसी एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स के अकॉर्डिंग वो मूव करता है। ठीक है, या फ्लो करता है। ठीक है, मूव करना अलग हो जाएगा, फ्लो करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? फ्लूड बोला जाता है। तो लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी
when a body, कोई body हो या कोई matter हो, और matter, matter मतलब matter हम जानते हैं कि matter में कौन-कौन से matter होते हैं, three state में matter होते हैं, कौन-कौन से, liquid, solid and gaseous state, तो ठीक है, तो उन matter जो flow करता है, जब flow from one point to another point on application of shear force, it is called flow. ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है, जो कोई मैटर को, जब एक मैटर या कोई बॉडी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे फ्लो होता है, एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड. ठीक है, अब देखो फ्लूइड तो है, अब फ्लूइड में देखो गैस भी हमारा फ्लो हो सकता है, लिक्विड भी हमारा फ्लो हो सकता है. ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, फ्लूइड में क्या आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं. ठीक है, एग्जांपल में ऐसे लिख लेने का, एग्जांपल गैसेस एंड लिक्विड्स, ये दोनों आ जाएंगे. ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों आ जाएंगे. ठीक है, अभी देख लो इसके जो आगे के पॉइंट हैं फ्लूइड के, अब लिक्विड में क्या आ सकते हैं, देखो अगर मुझे लिक्विड में लिखना है तो लिक्विड में क्या क्या आ सकते हैं, वाटर आ सकता है, और क्या आ सकता है, ऑयल्स आ सकते हैं, और जितने भी लिक्विड टाइप के हैं. ठीक है, गैस में क्या आ सकते हैं, गैस में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसेस हैं, तो उसमें आप गैस के बारे में जान सकते हैं. ठीक है, ओके, अभी देखो इसके बारे में हम ये जान देते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका, फ्लूइड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. ठीक है, ऐसे पूछ लिया अगर मान लो कि फ्लूइड का क्लासिफिकेशन, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ये दो होता है, इसका क्लासिफिकेशन दो, जो अभी मैंने बताया आपको. पहला होता है एक कंप्रेसिबल होता है, दूसरा होता है इनकंप्रेसिबल होता है, और दूसरा क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है. इसका क्या है, कंप्रेसिबल मतलब क्या कहना चाहता है, कंप्रेसिबल मतलब ये कहना चाहता है, देखो कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलो चाहे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलो, लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता क्या है और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है. कंप्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस हो जाए, दब जाए, इनकंप्रेसिबल मतलब जो दबे नहीं, सिंपल सा है. तो अगर हम देखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख देंगे कि ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, मान लो कोई वस्तु पे अभी दो है हमारे पास, ठीक है, गैस है लिक्विड है, तो इनमें हम ये कैसे पता करेंगे भाई कि ये कौन सा कंप्रेसिबल है कौन सा इनकंप्रेसिबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर अगर प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उसके वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में चेंजेज अगर आते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंजेस अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो उस फ्लूइड को बोला जाता है कंप्रेसिबल, मतलब कंप्रेस हो जा रहा है. ठीक है, कंप्रेस कर रहा है, देखो कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जा रहा है. ठीक है, फिर बाद में फोर्स मान लो प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, तो फिर बाद में उसकी वॉल्यूम तो भी चेंज हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो ऐसे फ्लूइड को क्या बोला जाता है, गैस बोला जाता है. ठीक है, गैसियस फ्लूइड बोला जाता है, समझ में आ गया. हम इनकंप्रेसिबल क्या होगा, इनकंप्रेसिबल इट मींस ड्यू टू चेंज इन प्रेशर volume of fluid
ठीक है, डज नॉट चेंज। अभी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एग्जांपल में वो आ जाएगा लिक्विड, क्योंकि फ्लूड में दो ही आते हैं, एक तो गैस आता है या तो एक लिक्विड आता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया किसमें आ गया, ये फ्लूड के दो पार्ट में आ गए। अभी जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ठीक है, गैसेस स्टेट क्या होता है, तो इसके बीच में हमको डेफिनेशन तो हमको पता ही है, ठीक है, कि अगर सॉलिड होता है तो उसका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, और फ्लूड का शेप क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। ठीक है, शेप मतलब जब देखो लिक्विड है चाहे गैस है, उसको जहां पर भी जिस शेप में रखोगे वो शेप को वो क्या कर लेता है, रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए उसका लिक्विड जो फ्लूड है उसका शेप क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। बट सॉलिड, सॉलिड अगर यहाँ पे रखो चाहे कहीं पे भी रखो, जैसे शेप में है वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो और भी इनके हैं, जैसे सॉलिड है तो उनके डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इज लेस होता है, और फ्लूड में क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इज मोर। ठीक है, सॉलिड में और देखा जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर कोहेजिव फोर्स आर मोर, इनके अंदर कोहेजिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर कोहेजिव फोर्स होता है, उसके मॉलिक्यूलर में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर फ्लूड में देखा जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर कोहेजिव फोर्स आर लेस, कम होता है, होता तो है, ठीक है, अगर होता नहीं तो बॉन्डिंग ही नहीं बनती, ठीक है, बनता ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं बनती, है तो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोला जाए तो रेजिस्टेंट टू शियर फोर्स इज मोर, रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन, एक तरह से यही बोला जाए कि जो हमारा सॉलिड होता है उसमें फ्रिक्शन रेजिस्टिंग जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लूड, फ्लूड में क्या हो जाता है, कम रहता है। ठीक है, इसीलिए तो फ्लो होता है, समझे ना, और इसीलिए हमारा जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है इजिली, मतलब भागता नहीं है, उसके लिए ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और क्या हो सकता है सॉलिड के लिए, इट कैन रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स, ये दोनों को रेजिस्ट कर लेता है, टेंसाइल फोर्स हो या कंप्रेसिव फोर्स हो, बट इट कैन नॉट रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स, इट कैन रेजिस्ट ओनली कंप्रेसिव फोर्स, जो फ्लूड होता है वो केवल कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, टेंसाइल को रेजिस्ट नहीं कर सकता, जो जितने भी फ्लूड हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि फ्लूड मैकेनिक्स क्या, अभी तक तो फ्लूड जाने, अब फ्लूड जो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोलिक्स जो है वो मैकेनिक्स है, ठीक है, तो वो जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके एप्लीकेशन को जानेंगे, उसके फिर बाद में क्या क्या उसके पार्ट हैं उसके बारे में हम जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।